तो उस दिन मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था तो नहीं आ पाए। तो हुआ कि नहीं भाई फिर से चलो पटोरी ना तो सही मोरवे सही, तो मोरवा आप लोगों के बीच आए हैं आशीर्वाद दे दें, आप लोगों से आए ताकत लेने। और यहां लालू जी ने आलोक कुमार मेहता जी को प्रत्याशी बनाया है और आपसे अपील यही है कि एक एक वोट जो है आलोक कुमार मेहता जी को वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। देखिए आलोक कुमार मेहता सबका चहेता, आलोक कुमार मेहता, आलोक कुमार मेहता, आलोक कुमार मेहता। देखिए 10 साल हम लोगों ने एनडीए को दिया, उज्जैनपुर की जनता ने 10 साल से एनडीए भाजपा की सांसद को बनाने का काम किया, केंद्र में भाजपा की सरकार 17 साल से बिहार में उनकी सरकार, लेकिन अभी भी मोरवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया ये बता दीजिए। एक काम बता दो जो नरेंद्र मोदी जी ने मोरवा के लिए किया हो। और आप लोग मानते हैं इस बात को कि अगर मोरवा का विकास नहीं होगा तो समस्तीपुर का विकास नहीं हो सकता, उज्जैनपुर का नहीं हो सकता, बिहार का नहीं हो सकता। और जब बिहार का विकास नहीं हो सकता तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो आप बताओ आपके लिए क्या क्या मोदी जी ने, असल मुद्दा क्या है, बेरोजगारी क्या है कि नहीं है, कितना नौजवान बेरोजगार है जरा हाथ उठा के बताइए, बताइए। इतने लोग पढ़ लिया लिख लिया फिर भी नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं। पहले गैस सिलेंडर 400 रुपया में, अब 1200 1400, पेट्रोल डीजल 100 के 5 हुआ कि नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है बताइए। तो अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता चला गया। तो विकास क्या किए मोदी जी, यही मोदी जी आए थे तो भाषण में क्या कहते थे, भाई बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। बताओ अच्छे दिन आए कि नहीं आए, 2 करोड़ नौकरी देगा साल में, मिला नौकरी एक को, खाता में कितना लाख आ गया, नहीं सुने हम, अरे नहीं सुने जोर से बोलो, एकों को नहीं चवनियों नहीं, ये तो बोले थे 15 लाख रुपए आएगा खाते में, 15 लाख कच्चा मकान को बोले थे पक्का मकान बना देंगे, कटनी चल रहा है। बताओ रे धान का कितना रेट मिल रहा है, बताइए हमारे किसान भाई कितना रेट मिलता, सही रेट मिलना है, जैसे तैसे चल रहा है, MSPO पे नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी तो कहे थे कि किसान भाई लोग के आय को जो है दुगुना कर देंगे, दुगुना हुआ है किसान भाई। अरे मोरवा में छोड़ो समस्तीपुर उज्जैनपुर में अगर कारखाना मोदी जी को न लगवाए तो बता दो, अरे कोई कारखाना लगा क्या, तो मोदी जी कौन सा विकास किए रे भाई, तो 10 साल से क्या किए, झूठ बोले वो कहां है, वो कहां है मेरा मोदी जी का जुटवा कहां है, रिकॉर्डर कर सकते थे, अभी हेलीकॉप्टर में है टेप रिकॉर्डर वहां मंगवा रहे। लेकिन मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया, खाली झूठे बोले। अब 24 आया तो क्या बोलते हैं, हिंद
मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे। अरे मोदी जी, आप 10 साल कोई काम गिनाने को नहीं है तो कम से कम हमारे समाज को मत बांटो, समाज को लड़ाओ मत, भाई भाई को मत लड़ो। मोदी जी क्या बोला कि विपक्ष वाला आ जाए, पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ। विपक्ष वाला आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। किसी का हिम्मत है जी? तेजस्वी ऐसा कर सकता है? अपनी बहन और अपनी माँ से मंगलसूत्र छीनेंगे? यही काम है। हम तो नौकरी दे 5 लाख, तेजस्वी ने तो 5 लाख नौकरी दिया। अब बोलते हैं प्रधानमंत्री भाई से ले गए। प्रधानमंत्री का कोई स्तर नहीं रह गया। हम तो सुरे से बुजुर्ग हैं। अब बुजुर्ग लोग काम का बात करता है, ज्ञान का बात करता है, ध्यान का बात करता है, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे बुजुर्ग हैं खाली नफरत और झूठ और बेकार की बात करते हैं। 4 चीज संभव है इस दुनिया में, 4 चीज। पहला है सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, दूसरा रेगिस्तान में मछली मारना, तीसरा आसमान में पेड़ उगाना, और चौथा मोदी जी के मुंह से काम और मुद्दे की बात सुनना।